Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए, फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। उपचुनाव को लेकर पूरे राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाल ली है। सिंधिया इसी कड़ी में शिवपुरी के पोहरी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर खूब तंज कसे। सिंधिया ने उस दौरान खुद और शिवराज सिंह को घर की मुर्गी बता दिया। नया दूल्हा राजा आता है, नया दूल्हा राजा जब घर में आता है तो घर के सभी लोगों से आशीर्वाद लेता है कि लेता ही है। अरे भैया, 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा राजा आया था, आया पोरी में आशीर्वाद लेने के लिए। अरे शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है भैया। दूल्हा राजा तो वल्लभ भवन में रहा, तो जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था और फीता काटने के लिए दूल्हा राजा पहुंचा था, उस वल्लभ भवन की चाबी मैंने दोबारा शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी जोरदार हमले किए और साथ ही कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के दुख दर्द को जाना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान को 4,000 रुपए देने का फैसला किया। कमलनाथ जी ने किसान का पैसा ठोस ठोस कर, वो अमिताभ बच्चन का शो होता था ना टेलीविजन पर, कौन बनेगा करोड़पति, लॉक किया जा। शिवराज सिंह जी ने दिल की चाबी निकालकर उस लॉक को तोड़कर किसान के खाते में फसल बीमा योजना किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, मैंने आग्रह किया कि उसमें प्रदेश का योगदान होना चाहिए, शिवराज सिंह जी ने सहजता से स्वीकार किया और 4,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दी। 10,000 रुपए हर साल किसान के खाते में जाएगा मेरे भाई। आपको बता दें कि पोहरी से बीजेपी ने सुरेश धाकड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेश धाकड़ ने सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं कांग्रेस ने पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट, एमपी तक।